भारत में जहाँ पर आपको रोड के ऊपर एक बाइक तक चलाने के लिए लाइसेंस लगता है और लाइसेंस ना होने पर फाइन देना पड़ जाता है, उसी देश की सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स एक ऐसी कंपनी के हाथ में दे दिए जिसको उससे पहले तक एयरपोर्ट चलाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अडानी ग्रुप, वो बिजनेस ग्रुप जिसके पास साल 2019 से पहले तक कोई भी एयरपोर्ट संभालने की अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास साल 2019 के बाद अचानक से 3 साल के अंदर अंदर 8 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल आ जाता है। पर यहाँ पर सवाल ये कि आखिर अडानी ग्रुप के पास ये 8 एयरपोर्ट्स आए कैसे, क्योंकि रूल तो ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं चला सकती। तो फिर अडानी ग्रुप के पास आखिर ये 8 एयरपोर्ट्स आए कैसे? क्या उन्होंने गवर्नमेंट को पैसे खिलाकर ये सब कुछ हासिल किया, या फिर इन सारी चीजों को एकदम लीगल तरीके से किया गया है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने से आप लोगों का कुछ फायदा होता भी है या नहीं? तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ताकि हमें ये पता लग सके कि आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई। साल 1995 से पहले हमारे देश के अंदर जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IAAI संभालती थी, और बाकी बचे हुए जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हुआ करते थे उसको नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NAAI चलाती थी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि साल 1994 में हमारे देश की गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट को पास करती है, जिसके अंडर IAAI और NAAI इन दोनों को मिलाकर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम पड़ता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसके बाद अगले 4 साल तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सारे एयरपोर्ट्स को कंट्रोल कर रही थी। बस ये था कि कुछ कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे रखे थे ताकि वो उसको चला सके। लेकिन 1999 में जाकर केरला की गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग अपने कोचिन एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करेंगे, और क्योंकि एयरपोर्ट एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। जिसके बाद इस चीज को करने के लिए केरला की गवर्नमेंट एक मॉडल निकालती है जो कि होता है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये जो मॉडल था ये कोई नया मॉडल नहीं था, बल्कि इस मॉडल को 1800s के अंदर मोहम्मद अली जो कि ऑटोमन एम्पायर के रूलर थे वो भी इस्तेमाल करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेल रोड्स और डैम्स बनाने के लिए। इवन अमेरिका के अंदर भी आप जितना भी कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना वो सारा का सारा PPP मॉडल के ऊपर ही बनाया गया है। अब देखो ये मॉडल काम कैसे करता है, इसको हम कोचिन एयरपोर्ट के ही एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, केरला की गवर्नमेंट ने इस PPP मॉडल को चलाने के लिए सबसे पहले एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि CIAL। अब होगा कुछ ऐसा कि जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आएगा CIAL के अंडर, और CIAL के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से कुछ पार्ट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और बाकी का पार्ट वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देगी यानी कि बाकी इन्वेस्टर्स के बीच में उसे बांट दिया जाएगा। जैसे कि आज अगर आप देखो तो CIAL का 32.42% केरला की गवर्नमेंट के पास है और बाकी का बचा हुआ 68.58% NRIs, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट कंपनीज और यहाँ तक कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के बीच में बांट दिया गया है। और आज कोचिन एयरपोर्ट के अंदर करीब 29 देशों से 18,000 से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। अब इस मॉडल में जो प्रॉफिट का हिसाब है वो भी शेयर्स के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लो अगर कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पर 32.42% यानी कि 32.42 रुपीज सीधा सीधा केरला की गवर्नमेंट को चला जाएगा और बाकी का बचा हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी शेयर होल्डर्स में। अब हमने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट इन एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल करती है, लेकिन आखिर इस मॉडल को इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या हैं, जरा इसको भी समझते हैं। तो देखो, जब भी PPP मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे मेनली बिजनेस स्टैंडपॉइंट से अगर देखा जाए तो ये 4 फायदे होते हैं। जिसमें पहला फायदा तो ये कि अगर एक टोटली पब्लिक या फिर टोटली प्राइवेट कंपनी के हाथ में एक एयरपोर्ट दे दिया जाएगा तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे तरीके से बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि या तो फंड्स की प्रॉब्लम आएगी या फिर एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस केस के अंदर जहां पर ये दोनों प्लेयर्स साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं तो फंड्स की भी प्रॉब्लम नहीं आती और एक्सपर्टीज की भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। फिर जो दूसरा फायदा है वो ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका बनाया हुआ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हल्का सा भी डिले हो। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जब भी प्रोजेक्ट बनाती है तो उसमें किसी ना किसी तरीके का डिले आ जाता है, लेकिन जब ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज ये इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से कंप्लीट हो ताकि प्रॉफिट जो है वो भी टाइम से आना शुरू हो जाए। फिर जो तीसरा फायदा होता है वो होता है फ्लेक्सिबल एयरपोर्ट मैनेजमेंट, क्योंकि PPP मॉडल के अंदर
दोनों लोग साथ में मिलकर इस चीज को चला रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा आती है, जो चीजें यहाँ पर काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि जब केरला की गवर्नमेंट कोचीन एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करती है और उसके फायदे नजर आने लगते हैं, तो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके अंडर जितने भी एयरपोर्ट्स थे, वो उन सारे एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी करते हैं। और जून 2003 में जाकर एआई के अंडर जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं, वो उन सबको प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल रखते हैं, जिसके अगले साल यानी कि साल 2004 में एआई दिल्ली और मुंबई, इन दोनों एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की तैयारी करती है। अब ये करने के पीछे का रीजन ये भी था कि जो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स है ना, ये दोनों सबसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो जाता है। जैसे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो साल 2003 से लेकर 2004 के बीच में 47% पैसेंजर ट्रैफिक, 58% कार्गो ट्रैफिक और 38% एयरक्राफ्ट मूवमेंट, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इन दो एयरपोर्ट से हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें तो एआई का 80% रेवेन्यू सिर्फ इन दो एयरपोर्ट से आता है। अब इन दोनों एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत गवर्नमेंट ने ये दो कंपनीज बनाई। पहली कंपनी थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दूसरी कंपनी थी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और इन दोनों ही कंपनीज के 26% स्टेक्स एआई ने अपने पास रखे और बचे हुए 74% स्टेक्स को प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए एक बिडिंग सिस्टम चालू किया। अब ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के तहत इन तीन चीजों को टेस्ट करने के बाद ही किसी प्राइवेट प्लेयर को ये एयरपोर्ट का कंट्रोल दिया जाएगा, जिसमें पहला था मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, दूसरा था डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और तीसरा था फाइनेंशियल बैकिंग। और दिसंबर 2005 में जाकर इन बिड्स को ओपन किया गया, जिसके अंदर ये सामने आया कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसको मैनेज करने के लिए रिलायंस एएसए कंसोर्टियम, उन्होंने इस बिड को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, इन दोनों में उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले थे। यहां तक कि अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को भी देखें तो 45.99% इतना रेवेन्यू रिलायंस गवर्नमेंट के साथ शेयर करने को तैयार थी। और इसी सेम क्राइटेरिया के बेसिस पर जीएमआर फ्रैपो ने मुंबई एयरपोर्ट की बिड को जीता। लेकिन होता ये कि उस समय यूपीए की सरकार ने इस पूरी बिडिंग को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि रिलायंस ने जितने भी बिडिंग देने वाले लोग हैं ना, उनके साथ मिलकर इस बिडिंग में कुछ ना कुछ चीटिंग करी है और ये पूरी की पूरी बिडिंग दोबारा से होगी। जिसके बाद सरकार ने दोबारा से बिडिंग करवाई और दिसंबर 2006 में जाकर इस बिडिंग के अंदर ये सामने आया कि जीएमआर फ्रैपो ने दिल्ली और मुंबई, इन दोनों ही एयरपोर्ट्स को जीत लिया था। क्योंकि इस बार जब दोबारा बिडिंग हुई तो रिलायंस एएसए के जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी वाले मार्क्स थे वो कम हो गए। लेकिन बात ये थी कि दोनों एयरपोर्ट्स के बिडिंग को जीतने के बावजूद भी जो जीएमआर फ्रैपो है उनको दोनों एयरपोर्ट्स नहीं दे सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल था कि किसी भी कंपनी को दो बड़े एयरपोर्ट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास दो बड़े एयरपोर्ट्स आने से एक मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए सरकार ने जीएमआर ग्रुप से कहा कि आप दोनों में से एक एयरपोर्ट चूज कर लो और जीएमआर ग्रुप दिल्ली एयरपोर्ट को सिलेक्ट करती है। अब इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टैंड करता था जीवी के ग्रुप, इसलिए जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो जीवी के ग्रुप को संभालने के लिए दे दिया गया। जिसके बाद साल 2008 में जाकर हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाता है, जो कि दोबारा से जीएमआर और जीवी के ग्रुप को दे दिए जाते हैं। पर देखो, इस कहानी में जो एक्चुअल ट्विस्ट है वो आता है इस प्राइवेटाइजेशन के 10 साल के बाद, क्योंकि फिर एक बार दोबारा से नवंबर 2018 में सरकार 6 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का अप्रूवल देती है, जिसके बाद दिसंबर 2018 में इस पूरे बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। जयपुर और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए 7-7 पार्टीज बिड करती है, गुवाहाटी और लखनऊ के एयरपोर्ट्स के लिए 6-6 बिड्स आती है और बाकी जो बचे हुए दो हैं यानी कि मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम, इनके लिए 3-3 प्लेयर्स अलग अलग अपनी बिड्स प्लेस करते हैं। और ये जो पूरा बिडिंग प्रोसेस था, इनमें इन 6 एयरपोर्ट्स के लिए अडानी ग्रुप और जीएमआर, ये दोनों ग्रुप्स भी अप्लाई करते हैं। फिर फरवरी 2019 में बिडिंग ओपन होती है और अडानी एंटरप्राइजेस 6 के 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग को जीत जाती है, जिसके बाद अगले 50 साल के लिए इन सारे एयरपोर्ट्स का ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और यहाँ तक कि डेवलपमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ अडानी ग्रुप के पास चला जाता है। अब जब ऐसा होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब 2006 के अंदर एयरपोर्ट की बिडिंग हुई थी तब जीएमआर ग्रुप को दो बड़े एयरपोर्ट्स यानी कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट नहीं दिए गए थे, तो आखिर इस बार ये अडानी ग्रुप को 6 के 6 एयरपोर्ट्स कैसे दे दिए गए? सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। वैसे तो अडानी ग्रुप इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको इससे पहले कोई भी एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता। लेकिन इस बार ये होता ही है कि बिडिंग से जस्ट पहले गवर्नमेंट ने इन तीन अलग अलग रूल्स को चेंज किया, जिसमें पहला तो ये था कि बिडिंग क्राइटेरिया के अंदर इससे पहले तीन चीजें देखी जाती थी, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल एड। लेकिन अब मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, इन दोनों कैपेबिलिटीज को साइड रख के सिर्फ फाइनेंशियल एड को ही एक बिडिंग कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी माना गया और उसी के बेसिस पर इस बिडिंग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया गया। मतलब कि अब आपको एयरपोर्ट चलाने के लिए किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आपके जेब में बस पैसे होने चाहिए और अगर आपके पास पैसा है तो आप एयरपोर्ट की बिडिंग की प्रोसेस के अंदर बैठ सकते हो। फिर दूसरा जो रूल चेंज किया गया वो ये था कि किसी भी कंपनी के पास दो से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं आ सकते और अगर उस कंपनी के पास कोई बड़ा एयरपोर्ट है तो उसके पास एक से ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं आ सकता। लेकिन अब इस रूल को चेंज करके ऐसा कर दिया गया कि कोई भी कितने भी एयरपोर्ट चला सकता है। और तीसरा जो रूल चेंज किया गया वो ये था कि इससे पहले हमने देखा कि जो ऑपरेटर है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ प्रॉफिट शेयर, लेकिन अब उस चीज को चेंज करके पर पैसेंजर फी यानी कि PPF इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि मान लो अगर एक साल के अंदर 1 करोड़ पैसेंजर्स ने उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से ट्रैवल किया और वहां पर PPF है 100, तो यहां पर 100 करोड़ रुपए सीधा सीधा वो प्लेयर गवर्नमेंट के हाथ में दे देगा। अब गवर्नमेंट ने इन रूल्स को चेंज तो कर दिया लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ये दोनों के दोनों बॉडीज इन रूल्स को चेंज करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। मगर रूल्स भी चेंज होते हैं, अडानी ग्रुप बिड भी जीतता है और 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप के हाथ में दे दिए जाते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये तो सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स हैं। अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो अडानी ग्रुप के पास टोटल 8 एयरपोर्ट्स हैं, तो बचे हुए जो 2 एयरपोर्ट्स हैं यानी कि मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट, आखिर अडानी ग्रुप ने इन दोनों एयरपोर्ट्स को अपने कब्जे में कैसे ले लिया? तो देखो, इस चीज की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीवी के ग्रुप को समझना होगा, क्योंकि जो मुंबई का एयरपोर्ट था वो जीवी के ग्रुप के पास था। अब देखो, जिस तरीके से आज की डेट में ऑपोजिशन पार्टीज बोलती है कि अडानी ग्रुप बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ कर रही है, उसी तरीके से उस टाइम पर जीवी के ग्रुप यूपीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ कर रही है ये बोला जाता था। क्योंकि 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तो जीवी के ग्रुप ने खुद को बहुत ही तेजी से एक्सपैंड किया, जैसे कि मुंबई और बैंगलोर का एयरपोर्ट उनको मिल गया, इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट उनको मिल गया और आगे चलकर 6 लाख किलोमीटर का जो हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो तक उनको दे दिया गया। इनफैक्ट जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी जीवी के ग्रुप को ही मिला था। उस जमाने में जीवी के ग्रुप ने $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे थे पूरी दुनिया में, जिसमें से $10 बिलियन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्ट किए थे। लेकिन होता ही है कि साल 2014 में जैसे ही सरकार बदलती है और NDA की सरकार पावर में आती है तो जीवी के ग्रुप के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 10 साल का टाइम और 4,200 करोड़ रुपए लगाकर जीवी के ग्रुप ने पंजाब के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया, लेकिन जिस टाइम पर 2014 में उसको चलाने की बारी आई ना और जब NDA गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने उसको कोल देने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से साल 2015 के हिसाब से जो जीवी के ग्रुप का कर्जा था वो 24,500 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। अब अपने इसी कर्जे को चुकाने के लिए साल 2016 में जीवी के ग्रुप JSW ग्रुप के पास पहुंचती है ताकि JSW ग्रुप उनके मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को उनसे खरीद ले, लेकिन यहाँ पर JSW ग्रुप मना कर देती है। और साल 2017 के अंदर क्योंकि जीवी के पास अपने लोन को देने के पैसे नहीं थे तो उनके काफी सारे एसेट्स को उन्हें बेचना पड़ जाता है। अब देखो, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं। मुंबई एयरपोर्ट का 50.5% जीवी के ग्रुप के पास था, 13.5% था बिडवेस्ट के पास और बचा हुआ 10% था ACSA ग्रुप के पास। मगर जनवरी 2019 में ये पता लगता है कि ACSA और बिडवेस्ट इन दोनों के पास जो एयरपोर्ट का स्टेक था वो इन्होंने सीक्रेटली अडानी ग्रुप को बेच दिया है। अब जब ऐसा होता है तो जीवी के ग्रुप बीच में आता है और वो ये कहता है कि ACSA और बिडवेस्ट इन दोनों ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल यानी कि ROFR रूल जो कि उन्होंने साल 2006 में साइन किया था जिस वक्त पर वो एयरपोर्ट ले रहे थे उसको ब्रेक कर दिया है। अब ये ROFR रूल क्या होता है? तो देखो, ROFR रूल ये होता है कि जब भी किसी शेयर होल्डर को अपना स्टेक बेचना होता है तो उसको सबसे पहले जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उस कंपनी के उनसे अपने स्टेक को बेचने की परमिशन मांगनी पड़ती है, यानी कि क्या मैं अपने स्टेक को बेच दूं, और सबसे पहले उन्हें हक देना पड़ता है कि वो इस स्टेक को खरीद ले। अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं उसके बाद उस पर्टिकुलर बंदे के पास ऑप्शन होता है कि वो इस स्टेक को बाहर बेच दे। और जीवी के ग्रुप यहाँ पर ACSA और बिडवेस्ट को कहती है कि देखो, तुम लोगों का जो स्टेक है वो मैं खरीद लूंगी, तुम अडानी को मत बेचो। लेकिन सच तो ये कि क्योंकि जीवी के ग्रुप का कर्जा बहुत बढ़ चुका था तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अडानी ग्रुप के हाथ में एयरपोर्ट के स्टेक्स लग जाए। वो ACSA और बिडवेस्ट इन दोनों के स्टेक को खरीद कर 74% स्टेक करके इस पूरे के पूरे स्टेक को अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कनाडा की PSP और यहां तक कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन सबको बेचने का प्लान बना रही थी ताकि यहां से आने वाले पैसे से उनका कर्जा माफ हो सके। पर जब जीवी के ग्रुप इस डील के बीच में घुसता है तो अडानी ग्रुप नाराज हो जाता है, जिसके बाद जीवी के ग्रुप के और भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जून 2020 में जीवीके के ऊपर CBI की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, जहां पर यह आरोप था कि जीवीके ग्रुप ने 705 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, जिसके अगले महीने ही
EDGV के ग्रुप के ऑफिसेज के अंदर रेड मारती है और उनके सारे बैंक अकाउंट्स को सील किया जाता है। अब बैंक अकाउंट्स भी सील हो चुके हैं तो जीवी के ग्रुप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि वो ACSA और बिडवेस्ट के स्टेक्स को दोबारा से खरीद कर जो बाकी कंपनीज हैं उनको अपना ये पूरा 74% स्टेक बेच पाए। जिसके बाद मजबूरन अगस्त 2021 के अंदर जीवी के ग्रुप का जो उनका अपना स्टेक था 50.5% मुंबई एयरपोर्ट का ये स्टेक भी उनको अडानी ग्रुप को बेचना पड़ जाता है और अडानी ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट का पूरा 74% स्टेक लेकर यहाँ पर इस पूरे एयरपोर्ट का कंट्रोल ले लेती है। और इसके अलावा अडानी ग्रुप जीवी के एयरपोर्ट्स डेवलपर लिमिटेड इस कंपनी के 2,507 करोड़ रुपए के लोन को भी टेक ओवर कर लेती है क्योंकि इस कंपनी के पास नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल था और ऐसा करने से अडानी के पास नवी मुंबई एयरपोर्ट के भी राइट्स आ गए। अब इसको कोइंसिडेंस कहो या प्लानिंग, लेकिन जीवी के ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट ये दोनों के दोनों अडानी ग्रुप को दे देता है। और जनवरी 2023 में जाकर CBI की ये रिपोर्ट आती है कि जीवी के ग्रुप पूरी तरीके से बेकसूर है और यहाँ पर उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी सवाल आता है वो ये है कि इन सारे एयरपोर्ट्स को जो प्राइवेटाइज किया गया आखिर इस प्राइवेटाइजेशन से हमको फायदा है या फिर नुकसान। तो देखो फायदा तो ये कि क्योंकि अब प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों के दोनों लोग मिलकर इस चीज को चला रहे हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस प्राइवेटाइजेशन के नुकसान की तो यहाँ पर ये दो बड़े नुकसान आते हैं जिसमें पहला नुकसान है जॉब लॉस। चाहे 2006 हो 2008 हो या 2018 जब भी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने की बात करी है तो एयरपोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब ने वहां पर प्रोटेस्ट करे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे ही यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी तो प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ से फायर कर देंगे और यही कारण है कि एयरपोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो ये प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट नहीं करते थे। अब इसके बाद जो दूसरा नुकसान है वो है हाई कॉस्ट फॉर पब्लिक, यानी कि आप लोग। देखो प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी चीजें करती है जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। जैसे कि अगर आप ये 6 एयरपोर्ट्स देखोगे जो कि अभी अडानी ग्रुप के अंडर आ गए हैं उन सारे एयरपोर्ट्स के अंदर आपको एक चीज बड़ी भी मिलेगी और वो चीज है यूजर डेवलपमेंट फीस, यानी कि आप जब भी इनमें से किसी भी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करोगे ना तो आपको यहाँ पर फ्लाइट्स महंगी मिलेंगी क्योंकि यूजर डेवलपमेंट फीस जो है वो आपके टिकट प्राइस के अंडर ही इंक्लूडेड होता है जो एयरपोर्ट वाले आपसे पहले ही ले लेते हैं। इसके अलावा जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी अगर आप यूजर डेवलपमेंट फीस देखोगे तो वो भी काफी बढ़ा दी गई है। तो बेसिकली इससे होता ही है कि जब भी इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाता है तो आपका जो ट्रैवल का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे पैसे आपसे वसूले जाते हैं, आपकी टिकट के अंदर इन सारे पैसों को ऐड कर दिया जाता है। सो अगर एक पब्लिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो यस, जब भी एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज होते हैं तो यहाँ पर पब्लिक को काफी ज्यादा पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं उस प्राइवेटाइजेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।